पहली बार आए हो? पहले भी कहीं पूछ रही थी ना, जब इतने साल हो गए ब्याह क्यों ना हो रहा, क्यों रुकावट चल रही है? सारी कुंडली मोती है इसकी, कुंडली का दोष है सबसे बड़ा। सनी की टेढ़ी चाल है, साढ़े साथी कदी खड़ी है सिर पर, नुकसान ही नुकसान है, कहीं कुछ भी कर ले उसी में नुकसान है ना। शादी का योग है और नुकसान है। शादी के योग बड़े थे एक दो, उसके बाद नहीं बड़े थे। कोई देखने आया तो एक दो बार ही हुई थी बात, उसके बाद नहीं बड़े। बेटा सच्ची में बताऊं, तेरी कुंडली को देखती हूँ तो संत आता है, तो संत की होने में शादी तेरी कुंडली में है ही नहीं, ठीक है? बाकी तू करेगा तो देखो, उसमें तो कोई ना रोक सके, संत भी कर ले व्यवहार तो शादी से कोई ना रोक सके, लेकिन कुंडली में नहीं है। शादी करवानी है बताओ ना, मतलब शादी करवानी है, कुंडली ठीक करो इसकी, शादी करवा देंगे, कुंडली ठीक करवाओ सबसे पहले। हाँ बेटा, हेलो, नाम मम्मी पापा का नाम बताओ। बेटा इसके मत खड़े हो, या तो साइड में हो जाओ, अंदर आके फोटो देनी है, दो मिनट बैठो, आपका फोटो कार्य करते हैं, दो मिनट बैठना पड़ेगा। ठीक, बाहर बैठ दे। हाँ बैठो। दो भाई थे, बड़े आप हो, छोटे का ब्याह हो गया, दोनों भाइयों की नहीं हुई है। बेटा कुंडली बनवा दे, ब्याह नहीं करवा दूंगी, या फिर मेरे कहने से एक काम कर दे, क्योंकि तुम्हारे तो चीजें रोकी पड़ी है, कुछ कुंडली के योग खराब है, कुछ चीजें कार्य ऐसा कर रखा है जिससे कि सब कुछ काम उल्टा ही है, अगर सीधा करने जाते हो उल्टा ही होता। आप क्या लगती है उनकी चाची? आप बेटा आप तो सारी चीजें उल्टी पड़ी है घर में, कोई काम नहीं हो रहा, सब में रुकावट पड़ी है, शरीरों से रुक रहे हो, काम से रुक रहे हो, किसी प्रकार का भी काम नहीं दिखा रही है, ये तो बढ़ रहा है। और दो बैठे हैं, वो दिमाग से ठीक नहीं है, तो ये वैसे ठीक नहीं है, शरीर से ठीक नहीं, ये भी नहीं है ठीक, शरीर से परेशानियां रहती है शरीर में, ये बताइए बेटा मेरे को, तकलीफ रहती है शरीर से, ओके है? तेरे घर के अंदर कार्य, अपने घर का कार्य मत हुआ, घर में तो पहले की चीज ही कुछ फेंकी हुई है, गाड़ी भी नहीं फेंकी हुई चीज दिखा रही है, ठीक है? तो सुपारी छोड़ी रहो बेटे, सुपारी काम न खोल रहे तो सुपारी सारी घर ना मार भी दे रहे, ठीक है ना? सुपारी छोटी मोटी चीज समझे, माँ का भोग लगा सुपारी में, काम बेटा ऐसे जोड़ रहा दिखा रही है, मगर ये सब कुछ जोड़ रहा यार, बस है कामों का फायदा खा लेता है और वो पीछे रह जाता है। यार बस ऐसा ये मौका फायदा खाते हैं इसलिए बेटा मैंने कहा कि सारा कुछ बांध रखा है, नोखा रखे हो तो खड़े बांध दो, दिमाग तुम्हारे काम नहीं कर रहे, क्या करें क्या ना करें वो काम नहीं कर रहे तुम्हारा दिमाग, रुके खड़े हो इस टाइम एक ही जगह। बेटा मेरे से नू मत क्या करो, मैं माँ आप ही करोगे, माँ जब करेगी जब माँ का साथ दोगे, आज हम कह रहे हो माँ आप करोगे, दो दिन आगे तीसरे दिन नहीं आओगे, माँ के खास कर लेगी, ये मत कह करो, पहले अपना हल पूछो उसके बाद पूछो माँ से कि माँ कितना हमारे साथ चाहिए तुम्हारा, क्योंकि मैंने सबकी ये समस्या देखी है कि समस्या नहीं बताऊंगी, उससे पहले कहा माँ आप करोगे, माँ आप करोगे, भैया माँ भी जब करेगी जब मैं चलाऊंगी, तो पहले पूछो पूछो पूरी पूरी, उसके बाद मेरे से जो कार्य होगा मैं बताऊंगी, आप कर लेना, कार्य करोगे कर्म तुम्हारे रहेंगे, फल देना इसका काम है, मैं तो कर्म ही बताऊंगी, ठीक है? बेटा पिपल में कम से कम 21 दिन लगातार पानी डालना है, इस लड़के रिश्ता अब भी करवा दूंगी, आएगी इसकी उम्र के साथ की।
कहीं भी डाल दो, गांव में डालना है कहीं भी, कहीं भी डाल दो। शनिवार, शनिवार नहीं, 21 दिन लगातार डालो, ठीक है, 21 दिन लगातार। और ज्यादातर तेरा नुकसान बृहस्पतिवार को होता है, ये बताइए मेरे को, वीरवार दिखा रही है भारी तरफ। बेटा सच बताओ ना, कई कार्य ऐसे दिखा रही है, कई कार्य तेरी कुंडली से जुड़े हैं, कई कार्य तूने खुद अपने हाथों से कर रखे, कर रखा है हाथों से, जो ये बार बार कर रही है हाथों से भी रोक रखा है, हाथों से भी कार्य रोक रखा है। कोई दोस्त वगैरह ऐसे जिनके साथ बैठता है, कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, ये बता दी। फिर बेटा यहाँ कहने के फायदा मैं घड़ा ध्यान लगाऊंगी, पीछे नीचे से काट के भी चले आओगी मेरे को। अब वो गुस्से में कौन आई है, भाई तो आई है गुस्से में, मैं थोड़ी आई हूँ, मुझे कोई हक नहीं किसी भगत पे गुस्सा करने का, गुस्सा उसको हक है। वो क्रोध में क्यों आई है, वो इसीलिए क्रोध में आई है क्योंकि कुछ कर्म तुम्हारे अपने दिखा रही है, करे हुए कुछ अपने हाथों से करे, कुछ करे हुए हैं लोगों के। बेटा अंडा मीट दारू तीनों में से क्या खाता है, सब खाता है ना, बेटा सुन ले मेरी बात, तेरा जो देवता आया हनुमान जी आया और ये चीज खाएगा ना जिंदगी में कभी सफल नहीं, तीनों ही त्यागने पड़ेंगे, जितनी टेंशन हो। तूने सोचा कि मैं एक कमा रहा हूँ भाई, मेरे को ब्याह नहीं हो रहा, दुनिया में बहुत बच्चे मिल रहे हैं, अपने से नीचे वाले को देख के ऊपर वाले को मत देखो, तू हरिद्वार चला जाए कहीं भी तीर्थ से दुनिया पड़ी है। फिर तू ये सोचो ना कि जो अपने कर्म में लिखा अपना कर्म करो, फल वो देगा। टेंशन से मामा, मैं टेंशन से पीता हूँ, नहीं भैया दारू कोई परेशानी का हल नहीं है, एक बार घर में पी के आ जाओ 10 टेंशन खड़ी कर देती है, हल कहाँ है उसका, मुझे तो हल दिखा दो उसका। तो बेटा सुन ले, तेरा देवता हनुमान जी है, मुझे नहीं पता तुम्हारा देवता कौन है, लेकिन कुल देवता तेरा हनुमान जी आ रहा है, तुम्हारा हनुमान जी खड़ा है और शीतला मामा ही गैल है, किसको पूछते हो, इनको तो पूछे के एक साल हो गए। अब बेटा तू तो माँ है, नहीं पूछते ना, क्यों नहीं कर रही, ये बता क्या बात है, किसने कहा तुम्हें छोड़ने को ले इसका, क्यों ना पूजा, जब ब्याह के आई जब भी ना पूजा, क्यों यहाँ भी कुछ ना मिला, क्यों सास नहीं पूछती थी कुछ भी, सासू तो सासू अब है, रामपाल ने छोरा कवारा रख दिया, एक बार बता दी रामपाल है वो दुनिया उजाड़ी, रामपाल ने झूठ बोलने के बाद वो ब्याह तो करवा दे रामपाल इसका, तो वो मानता ही नहीं, उसी को चढ़ गया, और वो जैसे नौ साल होगा मैं सारा रामपाल का ही बस मुझे वो दूसरा नहीं देखेगा, फिर भी रामपाल नहीं देखेगा, चल इस बार का ब्याह करवा दे, रास्ता भी खोलो का हाथ पकड़ जाएगा, पर ये तीन चीज मना देख जा, दारू अंडा वेट छोड़ देंगे जरूरी, तो बस तीन चीज मन दे जाएगा, इसके रास्ते में खोल दूं, ज्यादा जी करें तो माँ पर चढ़ाया एक बोतल अंडा मीट खाने जी गरम माँ पर चढ़ाया सीधा मुर्गा, बस अपना आप ही मन में कर ले, ठीक है बेटा, संकल्प ले ले तीनों चीजों का, और हनुमान जी ने मानने लग जा, जब तेरे रास्ता कोई रोक दे तो काम कर, काम भी खुलता चला जाएगा, काम का रास्ता भी नहीं रुकड़ दूंगी, और बोलो पर यू कह रहा है तीन चीज ले ले इसकी, अंडा मीट दारू, जिसका शनि साथ चलाएगा गाड़ी कैसे चल जाएगी उसकी, मैं जैसे एक बात बता रही, कुछ कर्म भगवान ने करके दिए हैं, कुछ लोगों ने करके दिए, कुछ इसने खुद कर लिए, क्यों आया आगे मेरे, क्यों गुस्सा आई है, इसके भी तो कर्म लिखे हैं वहां, हमें तो नहीं दिखते, वो तो देखने वाली महारानी है, उसको तो सब कुछ दिखता है, सिर में दर्द और सारा शरीर किसका बढ़ गया घर में,
बेटा सुन ले, सारा घर शमशान दिखा रही है। जैसे उम्र कट होता है ना, ऐसे घर है बता दो, ना सुख शांति है, ना खाने का है, ना पहनने का है, ना सोने का है, ना उठने का है कि ना ऐसा। काम रास्ता पकड़ जाएगा, 21 दिन ये जल डाल और हनुमान जी की जोत पकड़ ले, दोनों टाइम करेगा डेली, कोई मंगलवार खास दिन नहीं है उसका। शनि को सब वही हटा सकता है, देखता कहीं भी बाहर जा बेटा, तेरा तो बंदी तो हर जगह टकराव है ना, फिर मत्था ही नीचे करके निकल जा उसने, वही बोझ है अपने दिल से जोत जड़ा, वही बहुत है। कोई माचिस से जोत थोड़ा दिखती है, अपने मन के अंदर भी जोत होती है। मैं प्रभु जी मेरी जोत स्वीकार करना, जहाँ से निकलो वहीं से। मूर्ति मत रखो बेटा, उसका नाम लेकर जोत चढ़ा, बस देसी घी। ठीक है बेटा, दे बेटा तुझे तो कर्म करने पड़ेंगे, तेरा तो रास्ता बधा पड़ा बिल्कुल जुड़ रहा है, अना तो संत बना देगी, संत तू बना ही रखा। ठीक है, झाड़ा लगा दू, अरे यहाँ अगर मेरा इलाज चलाओगे तो 5 पेशी भरवाऊंगा कह तेरे भरते जा, नूना भी दोनों आओ, एक जन आ जाए यो आ जाए, बस यो होकर चला जा, झाड़ा लगवा जाए, और बाकी जो चीज दूंगी वो अब की बार नहीं दूंगी, अगली बार दूंगी, दूंगी पढ़ के भी चीजें। ठीक है, जो रास्ता खुलेगी उधर का। तो एक बात और बताइए बेटा, कोई लड़की का भी लफड़ा था? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, कोई लड़की का भी कोई झगड़ा झुगड़ा है लफड़ा था? नॉट विथ तुम्हारे लिए काम मैं चले बता सकता, झाड़े में आ गया ये, झाड़ा लगाऊंगी ना तो इसकी दही की चीजें निचुड़ती जाएगी। अच्छा, तो दोस्तों के साथ कोई लड़की आ रही है सामने, क्यों आ रही है भाई बेटा? लड़की कोई नहीं ना, ऐसी बात ना, लड़ाई झगड़े की है ऐसी ना, है ना लड़ाई झगड़े वाली आ रही है। किसी लड़की के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? कोई यार दोस्तों साथ हो जिसमें तू तो उसके साथ ना हुआ लफड़ा? बोलिए ना, तो फिर तो गैर तो था, तू पति ना था गैर? मैं तो वैसे ही प्रेस के नाम में साथ कैसे साथ था फिर? वो एकला ही घूमता है, तो एकला नहीं करे जो कुछ कर रहे हैं। तो सारी बात बता दी थी कि शुरू से फर्स्ट टाइम से बताता रहा भाई, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। हाँ हाँ, साथ तो था, उसके साथ है, सुन तो रहा था। हाँ, सुन रहा था। तो वैसे बेटा हकदार बना देती है सुनने से। मैं क्यों कह रही हूँ लड़की आगे सामने यार निचोड़ लिया झाड़ा लगाऊ जब भी, क्योंकि संकट था मेरे अंदर ही, तो आउट के वो मेरे अंदर उठ गाऊंगे, स्वाद तो मैंने पता चला किसी का स्वाद आ रहे है खोल दूंगी।